गेम शो ऐसे चलेगा में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ज़रा कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हर खिलाड़ी आज यहाँ से मेहरान गाड़ी भी लेकर जाए साथ, ठीक है। तो ज़रा सरफराज की तरफ चलते हैं, पहले उससे पूछते हैं सवाल क्या करना है। भाभी वहाँ बैठी हैं, भाभी की तरफ आप एक दफ़ा देख लें, नहीं फिर देख लें। हाय हाय हाय, भाभी आप भी ज़रा दुआओं से नवाज दें, अम्मी आप भी दे दें दुआएं। अच्छा कौन कौन यहाँ बैठे, ज़रा माइक तो दें, माइक दे दें ज़रा जी। कहाँ गए माइक? हाँ अच्छा, थोड़ा सा बेटा नीचे आ जाओ ना, तो नीचे आके दे देती बड़ा अच्छा होता जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से? आई नहीं थी ना आप रमज़ान में, हैं अब्दुल्ला की वजह से जी। इसकी आँखें किस पे गई हैं? अपने अब्बा पे। और आप भी माशाल्लाह उनकी आँखों के बारे में कहती रही हैं अमूमन, क्या कहती रही हैं बता दें आज? अच्छी डीप आईज हैं। डीप आईज हैं? डीप आईज हैं, बहुत डीप डीप आईज हैं। डूब चुकी हैं आप उनमें? अभी नहीं। हाँ अभी नहीं डूबी। अच्छा अभी डूबी नहीं। म्यूजिक तो शुरू हो गया है, तो अगर आप अभी तक नहीं डूबी तो कब डूबेंगे? इतने मुश्किल सवाल कर रहे हैं। नहीं भाई एक सवाल है भाई, ये पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है। बता दे। अच्छा मतलब ये कि ये बच्चा मासूम है, कुछ नहीं कहता इस मामले में। मैं क्या कहूँ इस मामले में? नहीं ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ मैं नहीं, हाँ मैं भाई नहीं समझ नहीं आया मैं भाई। हाँ सास आ गई आपकी उम्र करके? जी अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है जब आप तशरीफ लाई थी तो मैंने कहा था कि ये बहुत बड़े बैट्समैन बनेंगे, भाभी ने इख्तलाफ किया था मुझसे, कहा था ये कीपर ही बहुत अच्छे हैं। जी जी। लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया आपके बेटे ने, बैट्समैन भी अच्छे हैं।